दूंगा 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 इनके खिलाफ लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा, मेरे बम गोलियां नहीं आवाज बंद करा सके, आप मेरी आवाज बंद करा दोगे। और हम छोटी सी बात पे आते, गीता गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा, मेरे जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपके बोलने का वो असर नहीं होगा, मेरे बोलने का असर होगा। मैं भारतीय हूँ। जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है गुड़गांव के अंदर, उसका सबसे बड़ा कारण है पन्नू के ऊपर, जो बार बार हम बोले नहीं, हमने वो सामने हमारी सतीन है उसमें, हमने जब उसने आज से 3 या 4 साल पहले भरद्वाज जी बताएंगे, नवीन जी भी उसमें साथ थे, जब उसने ऐलान किया था न्यू 2020 के ऊपर कि रेफरेंडम लाएंगे और खालिस्तान बनाएंगे, हिमाचल खालिस्तान सारा हरियाणा सबको इकट्ठा करेंगे, ये उसने किया। और हमने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, हजारों की तादाद में नौजवान जिसमें खास तौर पे सिख नौजवान थे, नवीन जी आए थे गुड़गांव से, पानीपत से, हर जगह से, पंजाब से, हमने यूके की अम्बेसी को घेर करके जितने भी टेररिस्ट थे उसके साथ थे, परमजीत सिंह पम्मा हुआ या गुरपंत सिंह पन्नू हुआ, हमने डिमांड की थी कि इसको हमें भारत सौंपा, एलानिया चैलेंज किया था उसको, और उसका असर कुछ पड़ा भी। पर उसके बाद हमारी कई सरकारों की कमजोरियां, हमारी पॉलिटिकल पार्टियों की कमजोरियां, हम उसकी धमकियों को बर्दाश्त करते रहे। अगर हम उसकी धमकियों को बर्दाश्त ना करते, जिस तरीके से हमने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ, ऐलान किया उसके ऊपर जंग का, कि खालिस्तान ना कभी बना था ना कभी बनेगा ना कभी बनने देंगे, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह पहले की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा, जो हमने चैलेंज किया था। और ये असलियत आपके सामने, हमने मौत के कफन बांध के लड़ाई लड़ी, हमने खालिस्तान नहीं बनने दिया, बच गए हमारी किस्मत, हम बोनस की जिंदगी में हैं। पर जो खालिस्तान की नींव रखी गई थी पंजाब के अंदर, उसको हमने पूरा नहीं होने दिया। पर इसमें भी कोई शक नहीं, खालिस्तान की नींव रखने वाले भी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों के लोग थे, यही था कि सदा राज करेंगे, राज तो नहीं हुआ, पर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम जरूर हुआ। हरियाणा के लोग शहीद हुए, पंजाब के भी हुए, 19,000 बेगुनाह लोग हिंदू भाई शहीद हुए। सवाल है कि ये आवाजें उठ क्यों रही हैं, इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? रोज उठ करके, पीछे जब 26 जनवरी थी तो उसने कहा कि मैं शिमला के अंदर तिरंगा झंडा हिमाचल में नहीं लहराने दूंगा। मैं गया वहां पे, मैंने वहां के प्रशासन को बोला, मैंने वहां के चीफ मिनिस्टर को मिला, आप अपना काम कीजिए, ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी को पूरा करूंगा, और ऐलान करके तिरंगा झंडा लहरा के आया। रस्ते में को कार बम भी लगा सकता था, क्योंकि तो चैलेंज किया था, अखबारों में टीवी में आ चुका था। तो बार बार मीडिया के लोगों को थ्रेट करना, ये थ्रेट करना होता है, आप हिंदुस्तानी हैं, कितना भी आप अपनी रिपोर्टिंग को कैसे करें, पर आपके अंदर एक भारत है, आप ये चीजें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा देश टूटने की बात क्या है। 36,000 बेगुनाहों का खून बहने के बाद, 19,000 हिंदू भाइयों का शहीद होने के बाद, हम अभी भी पॉलिटिकल पार्टियां जागी नहीं, हम एक मुद्दे के ऊपर एक मंच के ऊपर उठा करके रिवाज देने को तैयार नहीं कि हम सब इसके खिलाफ हैं, हम प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं और इनको बाहर से लाते हैं, वहां के कंट्रियों से बात करें। अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर आए, आप उनसे बात कीजिए कि वो हमें वापस सौंपो। हम रोज डिस्टर्ब हो रहे हैं, देश की आम जनता जो है डिस्टर्ब हो रही है। हमारा जो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो एक इकोनॉमिक स्टेट बन चुका है, गुड़गांव एक ऐसी जगह है जो एक इकोनॉमिक स्टेट है, यहाँ बिहार भी, यहाँ मध्य प्रदेश भी, यहाँ टाटा भी, यहाँ बिरला भी, यहाँ दिल्ली भी, यहाँ पंजाब भी, हर व्यक्ति इस गुड़गांव की इस धरती ने, प्यारी धरती ने अपने आंचल में समा रखा है, और यहाँ से व्यापार पूरी दुनिया में होता है, और इस गुड़गांव की धरती को डिस्टर्ब कर रहे, यहाँ एक इकोनॉमिक स्टेट है, जैसे बॉम्बे 26/11 की घटना हुई, इकोनॉमिक स्टेट है, आज उसके बाद गुड़गांव हमारी इकोनॉमिक स्टेट है, लोग अपने अपने काम में लगे हैं, पुलिस अपनी ड्यूटी अच्छी दे रही है, पब्लिक अच्छा काम कर रही है,
पर बीच में आके इस तरीके से डिस्टर्ब करते जो आम पब्लिक है, जो आम बिजनेसमैन है, जो बाहर से आने वाला व्यापारी है, जो यहाँ बड़े बड़े सेंटर खोलना चाहता है, एजुकेशन सेंटर खोलना चाहता है, होटल खोलना चाहता है, इकोनॉमिक काम करना चाहता है, बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता है, उसके मन में ये विचार जरूर आता है क्या खालिस्तान बनेगा, क्या हरियाणा पंजाब में जाएगा। ये चीज़ों का सवाल एक खड़ा होता है कहीं ना कहीं अखबारों में, न्यूज़ पत्र। मैं हरियाणा के डायरेक्टर जनरल पुलिस, गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर, मैं खट्टर साहब का थैंक्स करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा आज करने आया हूँ कि उन्होंने देरी जरूर की पर उन्होंने स्टेप अच्छा उठाया। पर अब उनको एक जरूर सलाह दे के जाऊँगा, खट्टर साहब को, डीजीपी साहब को, कि आप कोशिश करें कि अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर इधर आए हैं, आप उनसे बात कीजिए और पन्नू जो उसके साथ जितने भी टेररिस्ट हैं वो हमें वापस सौंपिए। वो हिंदुस्तान के भगौड़े हैं, वो रोज धमकियां देते मेरे सामने। विनोद जी बैठे मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, इनको और इनके एक दोस्त पत्रकार भास्कर पेपर के कई थ्रेट आए उनको, नवीन जी को थ्रेट आए, पर हमने कभी बताया नहीं, हम थ्रेट की कभी चर्चा नहीं करते। हमारा थ्रेट, हमारा जीवन सबका देश की अमानत है, हमें मौत से डर नहीं रखता, पर आम पब्लिक को डराया जाएगा वो किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हरियाणा की धरती को, उनके लोगों को, गुड़गांव के बिजनेसमैन को, गुड़गांव के हर व्यक्ति को, गुड़गांव की पुलिस को, गुड़गांव के प्रशासन को कहना चाहते हैं, आप अपना काम कीजिए, इनके खिलाफ लड़ना ये MS बिट्टा की जिम्मेदारी है। हम उसके खिलाफ लड़े हैं, हर जगह पे लड़े हैं, हिमाचल में लड़े हैं, पंजाब में लड़े और यहाँ भी लड़ेंगे। आप अपना काम कीजिए, हम इनको जानते हैं ये कितने पानी में। मैं कई बार कई चैनलों पर बहस की कि पन्नू आ, तू रोज कभी शरीफ लोगों को धमकियां देते हो, कभी चीफ मिनिस्टर को कहते हो, कभी कहते हो मैं तिरंगे झंडे का अपमान कर दूंगा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आ मेरे साथ किसी चैनल में लाइव जुड़ जा, आप उनको कॉन्टेक्ट करो, आपके पास फोन है कि एक तरफ बिट्टा एक तरफ पन्नू, अगर तेरी बहस से हार जाऊं कभी तेरे खिलाफ नहीं बोलूंगा। खालिस्तान का मतलब समझा रहे, खालिस्तान का मतलब क्या है? खालिस्तान ये वो चाहते कि दिल्ली के अंदर पंजाब के सिख लोगों को, सिख भाइयों को, कल नरेंद्र मोदी जी ने चांदनी चौक में कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ, वहां नमस्तक किया गुरु तेग बहादुर जी के सामने, क्या वहां पे आप पासपोर्ट के जरिए हमें पहुंचाना चाहते हैं खालिस्तानियों, तुम्हारी ऐसी की तैसी गुंडो, क्या आप हमें रकाबगंज साहब, क्या हमें नदेड़ साहब, महाराष्ट्र के अंदर जो गुरु गोविंद सिंह जी का अमर वो स्थान, आखिरी स्थान, वो जन्म पटना साहब, जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज का पटना साहब में जन्म हुआ, लखपत साहब गुरुद्वारा गुजरात में, जहां गुरु नानक देव जी महाराज के चरण है, उनकी पवित्र खड़ाएं हैं, उनके साहबजादों की खड़ाएं हैं, क्या आप हमें पासपोर्ट के जरिए वहां भेजना चाहते हो? पहले गुरुद्वारा साहब, ननकाना साहब हमारे बिछड़ गए, करतारपुर साहब बिछड़ गए, हम अरदास में कहते हैं बिछड़े हुए गुरुद्वारा साहब हमें देना, तो आप हमारे जो गुरुद्वारा साहब अभी हैं वो पासपोर्ट के जरिए, क्या हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्रा के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का पवित्र स्थान, गुरु महाराज का पवित्र स्थान, क्या वहां पासपोर्ट के जरिए हमें करना चाहते हो? तुम्हारी ऐसी की तैसी बदमाशों, कहीं बहस तो करो मेरे से। खालिस्तान का मतलब तो देश की जनता को, दुनिया को समझाओ कि खालिस्तान का मतलब क्या है। क्या पंजाब के बाहर से जितने भी सिख है, हरियाणा के अंदर हो, महाराष्ट्र के अंदर हो, मध्य प्रदेश के अंदर हो, यूपी के अंदर हो, जिनके करोड़ों अरबों के कारोबार, जिनकी ट्रांसपोर्ट, जिनके व्यापार, जिनकी फैक्ट्रियां, जिनकी जमीनों के कारोबार अरबों खरबों के, क्या आप उनको पंजाब में लाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि भूखा नंगा पाकिस्तान, जिसके पास खाने को रोटी नहीं, क्या हमारे उन सिख भाइयों को उजाड़ करके, हिंदू भाई पंजाबियों को उजाड़ करके, क्या आप पंजाब में उनको बसाना चाहते हो? कितना है पंजाब हमारा? पहले था हमारा काबुल कंधार तक राज था, महाराज रणजीत सिंह जी के टाइम का काबुल कंधार, और महाराज रणजीत सिंह जी की फौजों का जरनैल सिंह हरि सिंह नलुआ जी काबुल कंधार में, माए कहती थी जब बच्चा सोता नहीं था, बच्चा सो जा नलुआ आ गया, इतना जोर था हमारे उस वक्त का, इतना बड़ा पंजाब। फिर क्या आया? फिर नारा दे दिया पंजाबी सूबा, काबुल कंधार से पंजाबी सूबा, हरियाणा भी चला गया,
गंगानगर भी चला गया, हिमाचल की धरती भी कहीं चली चला ही गया, हिमाचल जम्मू का हिस्सा भी चला गया। अब क्या चाहते हो? खालिस्तान तुम्हारी ऐसी की तैसी, खालिस्तान ना बना था ना कभी बनने देंगे, असलियत आपके सामने, टूटा हुआ शरीर आपके सामने। को दिल्ली में बैठ के नहीं लड़ाई लड़ी, अमृतसर में हरिमंदर साहब के सामने बैठ के, वो पवित्र स्थान का जब अपमान करते थे, जब आतंकवादी गोला बारूद लेके जाते थे सामने, चैलेंज करके तिरंगा झंडा लड़ा के इनका जवाब देते थे। हमारे बूढ़े बाढ़े लोगों को आप उनको बदनाम करते, उनको डराते। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, हरियाणा की गुरुद्वारा साहब कमेटी, हमारा हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता याद रखें। हमारे इस रोटी बेटी के रिश्ते को, हमारे हिंदू सिख के 9 मास के रिश्ते को उखाड़ नहीं सकता है। पर आवाज हिंदू समाज से नहीं, आवाज सिख समाज से हमारी तरफ उठनी चाहिए। क्यों ना उठे आवाज, हम रहते भी यहां हैं। और चुप रहेंगे हम? पहले किसान आंदोलन हुआ, हम किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं है। हमारे हरियाणा के, पंजाब के लोगों के, कुछ चंद लोगों की गलतियों से हरियाणा के भोले भाले किसानों को भावुक करके, हरियाणा की धरती को बदनाम करके चले गए। इस हरियाणा की धरती से वो दीप संधू, जिसने खालिस्तान के झंडे का वहां बात की और तिरंगे झंडे का अपमान किया, ट्रैक्टर लेके लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान करके चले गए इस सिंधु बॉर्डर के ऊपर से। और उसके बाद एक इनोसेंट व्यक्ति को उल्टा टांग करके तलवानियों की तरह उसके हाथ काट दिए। फिर सिद्धू बॉर्डर के ऊपर ये नारे लगाए, पहले इंदिरा गांधी मारी, आज नरेंद्र मोदी को मारेंगे। हाथ जोड़ के उन किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, आज आप कहां खड़े? आपका अपमान करके जो लोग चले गए पंजाब से, आंदोलनकारी कभी चुनाव नहीं लड़ता क्या? हम लड़ते क्या? हमें कभी देखा? हाँ, हमने चुनाव लड़ा, हमने चुनाव उस वक्त लड़ा जब आतंकवादियों ने कहा बिट्टा अगर चुनाव लड़ेगा बम्बों से उड़ा देंगे, जो इसके वोट डालने जाएंगे हाथ काट देंगे। हमने लोकतंत्र लाने के लिए, हमने बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, हमने खून की नदियां बंद हो उसके लिए मौत का कफन बांध के चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद हमारे ऊपर 3-3 ब्लास्ट हुए, पर उसके जब अमन शांति आया चुनाव नहीं लड़ा। इन्होंने हरियाणा के किसान भाइयों का अपमान किया, हरियाणा की वो पवित्र धरती जहां हर घर में, जहां हर गांव में, चाहे 71 की जंग हो, 35 की जंग हो, चाहे नक्सलाइटों के साथ लड़ाई हो, चाहे कश्मीर की लड़ाई हो, हर गांव में, हर हरियाणा की धरती पे खून गिरा है लाल इस मातृभूमि की आजादी की सीमाओं की रक्षा के लिए। उस धरती का अपमान करके चले गए। और उसके बाद जब चुनाव लड़ लिया पंजाब के अंदर राज्यपाल साहब और चूड़नी जी, फिर कहूं क्रांतिकारी कभी चुनाव नहीं लड़ते। हम क्रांतिकारी नहीं है, हम पापी से लोग हैं। हम जो करते हैं हम सेवा के रूप में करते हैं, हम कोई देश पे हसान नहीं करते। ना लड़े, ना लड़ेंगे, ना कभी आखिरी दम तक कभी आपको आवाज सुनाई देगी चुनाव। आज नहीं तो कल जाना है। हरियाणा के लोगों को, किसान भाइयों को बदनाम करके चले गए और जमानतें जब्त हो गई। लाखों का आंदोलन, जमानतें ही जब्त हो गई। अब मैं अपने किसान भाइयों को, हरियाणा को कहना चाहूंगा, इनसे सवाल तो पूछिए, हमारी हरियाणा की इस पवित्र धरती को बदनाम करके क्यों चले गए? क्या आज मेरे हरियाणा के किसान भाई इनको सवाल पूछेंगे? क्योंकि आंदोलन के पीछे पन्नू का हाथ था, पन्नू ने ऐलान किया था कि 26 जनवरी को तिरंगे झंडे का अपमान होगा, तो हुआ। इनके आंदोलन में आवाज आई थी, हुआ। तो क्या आज किसान मेरे भाई इस पवित्र जो धरती का अपमान करके लोग चले गए, जिन्होंने चुनाव लड़ा, जमानतें जब्त हुई, जहां खालिस्तान के नारे लगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि हमारी धरती को बदनाम करके क्यों चले गए? क्या सवाल पूछेंगे? क्या खालिस्तान बनना चाहिए? क्या हरियाणा पंजाब के साथ मिलना चाहिए? क्या हरियाणा भूखे नंगे पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए? क्या सवाल इनसे पूछेंगे? हर सवाल का जवाब मीडिया करे, हर सवाल की जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर हो, हर सवाल की जिम्मेदारी चंद लोगों के ऊपर हो। इनकी जिम्मेदारी क्या है? इनसे सवाल कौन पूछेगा? कौन लोगों को बताएगा? ये छोटा सा सवाल नहीं है, हल्का सा, खुदा न खासा। उन्होंने कहा तिरंगे झंडे का अपमान करेंगे, खुदा न खासा, किसी को 4 पैसे दे करके गुड़गांव डीसी ऑफिस, एसएसपी डीसी ऑफिस,
या हरियाणा के किसी ऑफिस के ऊपर तिरंगे झंडे का अपमान हो जाए, टुटता था आदमी, पंजाब में टुटते थे लोग, कुत्ता भी नहीं पूछता उन लोगों को जिन्होंने मोगा में तिरंगे झंडे का अपमान किया। अब नीचे को खड़ा नहीं, को तिरंगा झंडा हिला दिया, अरे तिरंगे झंडे का अपमान हो गया, अरे हम तो खालिस्तान का झंडा गाड़ दिया, कोई सुरक्षा नहीं कुछ नहीं, तो कुछ भी कर ले। न्यूज तो आपकी बड़ी बनेगी ना, न्यूज तो छोटी नहीं बनेगी ना, उसकी दहशत बेंगलोर भी जाएगी, जहां के कईयों के हेड ऑफिस वहां, तमिलनाडु भी जाएगी और उनकी उनकी आवाज चेन्नई भी जाएगी। तो मेरा एक ही कहना है कि यहाँ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा की, वो इन सवालों का जवाब दे, उनके विचार क्या है। और किसान भाइयों को हाथ जोड़ के सिर झुका के मेरी बेनती है कि इन खालिस्तानियों को सवाल पूछे, इन आंदोलनकारी जो पंजाब में जिन्होंने चुनाव लड़ा, जिन्होंने हरियाणा की धरती को बदनाम किया, इनसे सवाल पूछे कि खालिस्तान का मतलब क्या है। बाकी आप मेरे से कोई सवाल पूछे। बेटा जी, मेरे एक प्रश्न है जी। आप ये लड़ाई लड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत झेला भी है, मगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि हमारे भारत के अंदर इतनी बड़ी इंटेलिजेंस है, इतनी बड़ी सीबीआई है और इतना गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है फोर्सेस के ऊपर, वो फोर्सेस क्या कर रही है कि आपको एंटी टेररिस्ट फोर्स फ्रंट को आगे आना पड़ा देश बचाने के लिए और झंडे के लिए? नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, दो बातें, हमारा एंटी टेररिस्ट फ्रंट आज से नहीं, ये बचपन से है और लड़ाई हमने जीती। जब से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, हमारा बीजेपी से को मतलब नहीं, टेररिज्म के ऊपर पूरा कंट्रोल हुआ है, इस पर कोई शक नहीं। 370 धारा हटी, जगह जगह ब्लास्ट होते थे, दिवाली के दिनों में उसके ऊपर कंट्रोल हुआ, जवानों पे गोलियां चलती थी, कश्मीर के अंदर पत्थर फेंके जाते थे, कंट्रोल हुआ। हाँ, कश्मीरी पंडित अभी नहीं वहां जा रहे, टेररिज्म के ऊपर पूरा कंट्रोल हुआ। पर ये जो टेररिज्म पंजाब का है, हमारे में कमियां हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोगों में, हम वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक। टेररिस्ट टेररिस्ट है, सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, हम अलग अलग राजनीति करते हैं। अब अहमदाबाद के अंदर ब्लास्ट हुए, 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई गई, 38, और जिसने मेरे पे बम चलाया बुल्लर ने, हर पॉलिटिकल पार्टी बचाने में आ गई। आज मैं बयान दिखाता हूं, मेरा फोन लाना, आज बयान दिखाता हूं, पंजाब के डिप्टी सीएम जो एक्स रहे उनका दिखाता हूं, अमरिंदर सिंह का दिखाता हूं, आतंकवादियों को छोड़ दो खुलेआम। जब हिंदुस्तान के संविधान की शपथ लेकर के कोई पंजाब का चीफ मिनिस्टर रहा, कोई डिप्टी सीएम रहा, कोई मंत्री रहा, कोई जिम्मेदार पोस्टों पर रहे, जिन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को शहीद कर दिया राज्यपाल ने, जिन्होंने मेरे पे दिल्ली में ब्लास्ट किया, 38 लोग शहीद हो गए, मेरे पुलिस के जवान शहीद हो गए, अरे पंजाब का कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो नहीं कहती उनको छोड़ दो? तो इसका मतलब अहमदाबाद का कानून अलग है, पंजाब का अलग है। कानून आतंकवाद के खिलाफ एक होना चाहिए, हिंदू है या सिख है या मुसलमान है या ईसाई है, ये नहीं होना चाहिए यार ये सरदार है, अरे ये मुसलमान है, अरे ये हिंदू नहीं। मैं हूं ना, आपके सामने हूं ना, आपसे अगर सवाल पूछूंगा आप मुझे क्या समझते, मुझे गर्व से कहता हूं, आप मुझे पहले जरूर ये कहेंगे बेटा तू भारतीय सरदार बाद में है, मुझे उस चीज का फक्र है। हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है, अच्छी सरदारों ने, अरे सरदारों ने, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर जिसके ऊपर कल नरेंद्र मोदी जी ने इतने सुंदर अपने भाषण उन्होंने दिया, इतना सुंदर उनके सामने नमस्तक करके वो बोले, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर जिन्होंने मजलूमों की रक्षा के लिए सिख कौम के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए कुर्बानी दी, उनके हिंदुस्तान की चादर, उनके गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु बच्चे दो साहबजादे जिनको नींव में सिख कौम के लिए किया गया, क्या उस वक्त क्या पंजाब अकेला था, हम सब एक थे। सवाल है सिख कौम का अर्थ हमें समझाना होगा कि सिख कौम हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मजलूमों के लिए बनाई गई, ना कि सिद्धू बॉर्डर के ऊपर लटका करके टुकड़े टुकड़े कर दिया उसलिए नहीं बनाई गई, ना कि इसलिए नहीं बनाई गई कि वहां पे जाकर के पंजाब के अंदर आप 36,000 बेगुनाहों को कतलेआम कर दो, 19,000 हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना दो। हिंदू भाई फिर भी कहता कोई बात नहीं यार, हमारा 9 मास का रिश्ता, गलतियां होगी, हम अगला रास्ता बना लेंगे। रोज एक ही चीज की आवाज सुनाई देती है, हिंदू हिंदू हिंदू। मैं पूछना चाहता हूं खालिस्तानियों को,
हिंदू ने क्या बिगाड़ा आपका? हिंदू 19,000 लोगों की शहादत के बाद भी हमारी पगड़ी के आगे गुरुद्वारा साहब हरमंदर साहब में सिर झुकाता है। हमारे से ज्यादा हिंदू भाई जाते हैं पंजाब के अंदर गुरुद्वारा हरमंदर साहब नमस्तक करते और वहां से ये खालिस्तान नारे लगाते। हिंदू का मतलब समझा रहे हो, हिंदू ने बिगाड़ा क्या? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा इतिहास और ये कहते हैं जब दीप संधू की डेथ होती है यहाँ पे और उसकी अर्थी पे क्या कहते हैं, गीता जी गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। गीता जी का इतिहास हजारों साल पुराना, आप उस इतिहास को मिटाएंगे, आप खालिस्तान बनाएंगे? ये बहुत बड़े प्रश्न और बड़े सवाल है जिनको हम सीरियस नहीं लेते। गीता ज्ञान बुलाना होगा, इस हरियाणा की धरती पे गीता का ज्ञान बना हजारों साल पुराना। अभी मैं तमिलनाडु में गया, एक मंदिर में गया था मैं मत्था टेकने, 9 ग्रह के दर्शन करके आया, 60,000 साल पुराना मंदिर, 60, आप मान सकते? वैसे बिल्डिंगें खड़ी 900 साल पुराने, हमारे संत अभी मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में उनकी मूर्ति का उद्घाटन किया, ऐसे बैठे हैं जनाब, ऐसे साल में 2 बार चंदन का लेप चलता है, सब कुछ अंदर वही है, 900 साल पुराना। आप उस इतिहास को तहस नहस करना चाहते हैं? आपको पता नहीं है कि हमारा 9 मास का रिश्ता, आपको पता नहीं हिंदू इतिहास कितना पुराना है? मैं हिंदू या सिख की बात नहीं कर रहा, पर ये जो रोज खालिस्तान का मतलब, हिंदू भाइयों सेकुलर सिखो हमारे जैसे पंजाब छोड़ के चले जाते। हमारे सीधा सिंपल है, रोज कड़ी कौन सी है जिससे उग्रवादी फायदा उठाते हैं और हमारे भोले भाले आदमियों को बकाने में वो फायदा, पर हम पूरी फोर्सेस इसके पीछे, वो फायदा इसलिए उठाते हैं जनाब, ये सिंधु बॉर्डर के ऊपर बोले बाले किसानों को मैं बता रहा हूँ ना, ये बोले बाले किसानों को वर्गला करके, को दूध लेके आ रहा है, को खाना लेके आ रहा है वर्गला करके, तो सिंधु बॉर्डर पे खालिस्तान के नारे लगते ना, हमारे जो हरियाणा के किसान भाई थे क्यों चुप रहे जी? खालिस्तान का मतलब पता क्या है? पंजाब हिंदुस्तान से तोड़ दो, कमियां हमारी हैं, कमियां मैं बताया ना, कमियां हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की हैं। अगर 38 लोगों को अहमदाबाद में फांसी की सजा सुनाई जाती है तो पंजाब के लोगों को क्यों नहीं? पंजाब के डिप्टी सीएम, पंजाब के जो पुराने पॉलिटिशियन, वो आतंकवादियों की क्या मदद करते हैं? अब आपके सवालों का जवाब दीजिए, और कोई है? लो भाई एनबीटी से, ये 1 मिनट मेरे पास। हाँ, देखो दो बातें, आप उसको दूसरी तरफ लेके जा रहे, अरे मेरी बात तो सुनिए ना, पन्नू ने, मैंने ये नहीं कहा कि पन्नू का पैसा लगा ना, मैंने कहा नहीं नहीं सुनो, अब ये किसानों को सोचना कि हमारे आंदोलन में कौन शामिल हुआ। दूसरी बात सुनिए, लाखों की रैलियां मैंने की, आप तो पुराने मुझे देखा, लाल किला में 4-4 लाख की रैली की पूरे देश में की, हरियाणा के पंजाब के कोने कोने से बक्से गाड़ियां आती थी। हम उस वक्त लैपटॉप कंप्यूटर नहीं था जनाब, वायरलेस सेट हाथ में होते थे और काफड़ा लेके राजपुरा से चलता था और ये गुलशन के ढाबे सबको खाना खिला के और ये होता था, पैसे दिए कि नहीं? मेरी बात तो ना ना यूटर नहीं देता मैं कहा मुझे 4 घंटे लगा लो, एक एक चीज का जवाब दूंगा जनाब। ऐसे नहीं होता, सीधा बीच में घुस के जवाब दूंगा, ऐसे कैसे दे दूंगा? दूसरी बात सुनिए, क्या कभी रस्ते के अंदर को तोड़ फोड़ हुई? नहीं। अगर किसान आंदोलन लोगों ने विश्वास किया, आपने विश्वास किया, देश ने विश्वास किया, दुनिया ने विश्वास किया, तो मुझे यह बताइए, हिंदुस्तान का वो तिरंगा झंडा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सजा हुआ, उसका अपमान क्यों हुआ? मेरा आपसे सवाल, आप जवाब दीजिए। मैंने क्या लेना जनाब राजनीति से? ऐसा थोड़ा होता है, तिरंगा झंडा बड़ा है कि नहीं जनाब? है ना, तिरंगे झंडे का अपमान की शुरुआत कहां से हुई जनाब? सिद्धू बॉर्डर से हुई? हुई तो जिम्मेदार कौन है? जैसे दीप संधू कौन था?
दीप संधू वो स्टेज पे था, सुनिए, राज्यवाल अगर मंच का जिम्मेदार था वो जिम्मेदार थे, चूड़नी था वो जिम्मेदार थे, मंच पे जो नेता थे वो जिम्मेदार थे। अगर मैं को कार्यक्रम करता हूँ, मेरे कार्यक्रम के बीच के उठ के को तिरंगे झंडे का अपमान कर दे, किसी का लूटपाट कर ले, उसका जिम्मेदार एम एफ बिट्टा है। जनाब याद रखिएगा, बीच बूझ घुस के बात नहीं करता, सीधी करता हूँ, 100 बार पूछो। देखो हमारे पास आवाज नहीं, ये टूटा हुआ शरीर, बम्बों का 14 बार हमलों से आपके सामने है। जब आतंकवादियों से लड़ते थे गोली तो नहीं चलाते थे, आवाज को AK-47 रॉकेट लॉन्चर जवान को बना के लड़ते थे, ठोकते थे उनको, लड़ाई जंग जीती, नौजवानों को इकट्ठा किया, आपके सामने मिसाल है। अब ये कहो कि मैं लड़कों को बंदूक पकड़ा के कहूं कि आप कानून हाथ में ले लो, वो हम हाथ में नहीं ले। मेरा ख्याल वहां भी केस उनके ऊपर केस रजिस्टर हुआ है। हम पॉलिटिकल लड़ाइयों में मेरा ख्याल हमें नहीं करना चाहिए, आम पार्टी या कांग्रेस या दूसरे, जिन जिन लोगों ने इसमें रोल अदा किया है, जिस तरीके से आज पंजाब के अगर पेपर पढ़ो पिछले इलेक्शन से लेके अब तक कौन कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो भुल्लर को और राजेवाना को इशू बना करके छुड़वाना चाहती हैं। तो उन्होंने भी केस रजिस्टर किया पंजाब में, हिमाचल ने भी केस रजिस्टर किया है, आज गुड़गांव में हुआ है। पर हमें पंजाब के साथ साथ इस वक्त जो पीसफुल स्टेट है गुड़गांव हमारा हरियाणा, उसके ऊपर हमारी नज़र है कि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठे, क्योंकि हम तो गुड़गांव हमारा, ये हरियाणा हमारा छोटा भाई है, हम कहाँ चले गए, हम पीछे रह गए। आज हमारा हरियाणा तरक्की के रास्ते पे गया, सड़कें हैं, फैक्ट्रियां हैं, खेती बाड़ी है, हम बहुत पीछे चले गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर एक ऑल पार्टी मीटिंग हो, यहाँ पंजाब के चीफ मिनिस्टर हों, यहाँ हरियाणा के CM हों, यहाँ जम्मू कश्मीर के जो भी अधिकारी हों और हिमाचल के CM सब मिलकर के एक मिलकर के मीटिंग करें कि ये जो पन्नू का रोज़ का लफड़ा है, रोज़ प्रेस वालों को मैसेज देना कि देखो घर में बैठे मैं जो मर्जी करता रहूं फौरन से, सवाल है कि उसको सीरियस दे करके प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाएं कि ये हमारे रोजगार को, हमारी स्टेट को, हमारे लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, खालिस्तान के ऊपर वरगला रहा है, तो इसको बाहर से ला करके, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की फॉरन पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर की बहुत अच्छी है। मैं सवालों के जवाब दिए ना, मैं अभी रुको, मैं बोलूँ तो आप फॉरेन पॉलिसी को लेकर के उनसे बात करें, इसका टंटा ही खत्म करें, इसकी इंटरोगेशन करें, इसके पीछे ISI कौन है, कौन व्यक्ति है, चाइना इसके पीछे है, पाकिस्तान ISI के पीछे। मैं दूसरी बात का कहना चाहता हूँ, अगर खालिस्तान का इतना शौक है ना, इतने बहादुर बनते हैं ना, जो पंजाब के नारे लगाने वाले, गीता को बुलाना होगा, खालिस्तान बना होगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी कहाँ थे तुम, जब ननकाना साहब के अंदर ग्रंथ तो वहां के ग्रंथी की बेटी का किडनैप हुआ कहां थे भैया आप, जब एक काफर ने कहा कि ननकाना साहब का नाम बदल लो कहां थे आप, जहां महाराणा रणजीत सिंह के स्टैचू को तोड़ तोड़ के कर दिया, जो शेरे पंजाब कहते थे काबल कंधार तक, शेरे पंजाब उसके स्टैचू को तोड़ दिया, आपकी आवाज कहां रही भाई बताइए। जब मंदिरों का अपमान हुआ, गुरुद्वारों साहब का अपमान हुआ, कहां थे वो बब्बर शेरो बनते, कुत्ते भी अच्छे होते हैं आपसे, वफादार होते हैं। और जब काबल कंधार तक, जब कई साल पहले गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, बहनों के सामने, माओ के सामने, पतियों के सामने एक दूसरे को गोलियों से 25-30 के करीब कर दिया, वो कहाँ गई हो खालिस्तानी हो, आपकी दलेरी कहाँ गई, कहाँ हो बहादुर, असी सरदार होने और सरदार बनो, गुरु तेग बहादुर जी की सोच पे चलते हुए मजलूमों की रक्षा के लिए। जब कश्मीर के अंदर सिख लोगों का कत्लेआम हुआ, 35-30 के करीब लाइन के खड़ा करके शहीद कर दिया गया, आपकी आवाज कहाँ थी, डराते हो लोगों को, बोले वाले लोगों को आप डराते हो। तो मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, ये खालिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान ISI के जनता है, ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलते हैं। मैं फिर चैलेंज करके कहता हूँ, खालिस्तान के ऊपर जोड़ लीजिए, पहले उसको बुला लीजिए, मेरे सवाल कर लीजिए। हाँ जी, लेकिन आप क्या सोचते हो कि कौन से क्या होगा, मेरा मुराद राम हो गए,
इसका इलाज भी क्या है, मैं हर कॉल पे रोजाना बताया सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपका जो सवाल है, देखो आप एक पत्रकार हैं, ठीक है ना, आपका तो एक बिजनेसमैन आदमी, एक साधारण आदमी सड़क पे चलता हुआ, मैं और आप उसमें उसका बड़ा फर्क है, ठीक है ना। इसलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उन लोगों को जगाने के लिए भी कुछ है नहीं, हम इनसे बड़े सालों से लड़े, जब कुछ नहीं लोगों को डराते। सवाल सबसे बड़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रोज जो आम बिजनेसमैन, आम व्यापारी, चलो एक बार केस रजिस्टर हो गया, अखबारों में आ गया, कल को खुदा ना खास्ता कोई छोटी सी वारदात कर रहे, छोटा सा को पटाखा ही लगा दे, बम फट गया, बम फट गया, तिरंगे झंडे का अपमान हो गया। इसलिए मैंने कहा केस रजिस्टर करने के साथ साथ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो फॉरेन पॉलिसी उन्होंने मजबूत की है, यूक्रेन से बच्चे बचा के लाए, पूरी दुनिया आज नरेंद्र मोदी जी को मानती है, उनके पास जाएं और जाकर के कहें कि वहाँ के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आए, अभी चर्चा करें कि इसको हमें वापस रोको या इसके ऊपर केस रजिस्टर करके जेल में डालो, बस। तो इसका हल तो यही है। नहीं नहीं बेटा जी, मेरा मेरा कॉल आती है जी, आदमी को भी सीरियसली देखो पहली बात तो है, जरूरत से ज्यादा जब तरजीह देंगे जब आप ही कह रहे हो तो पल्ले नहीं, तो वो देखो मेरी बात, मैं इतने सालों से चल रहा है, हमने प्रोटेस्ट किया, खत्म कहानी, ठीक है ना, उसके बाद लाल किला का हुआ, जवाब दिया, खत्म कहानी, हम इसको उछाते नहीं, पंजाब में हम बोलते नहीं और यहाँ भी हम बोले नहीं, अब यहाँ पे इसलिए हम जवाब देने आए हैं। देखो सीरियस लेना भी चाहिए, नहीं भी लेना चाहिए, सीरियस इसलिए लेना चाहिए को हल्की सी बात कर दे ऐसी, को पैसे लेके कोई व्यक्ति कर दे तो कल को न्यूज़ पूरी इंटरनेशनल न्यूज़ बने। सीरियस हमें नहीं लेना चाहिए, जिम्मेदार लोगों को, पर सीरियस इसलिए लेना चाहिए कि शरीफ आदमी के लिए कोई डर और किसी तरीके का माहौल पैदा ना हो, क्योंकि देखो वो तो विदेशों में बैठे हैं और आजकल पंजाब में गैंगस्टर जो है ना वो ऊंचाइयों पे जा रहा है, गैंगस्टर, और गैंगस्टर के पीछे अब टेररिस्ट है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग ना 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 हिमाचल में जब गया था सीएम को मिलके बाहर आया, प्रेस थी, जब कहा कि 26 जनवरी को तिरंगा झंडा नहीं लहराने देंगे, तो वहां पे मैंने उसका जवाब दिया हम देखेंगे, और कोई झंडा नहीं, वहां पे अपमान हुआ, पुलिस प्रशासन से मेरी बात हुई, पर केस रजिस्टर किया गया, ये तो जरूरी। अगर पब्लिक पब्लिक मैं उनसे उनसे बात उनसे बात और मैं कर इतने जवाब दिए, मैं बात तो करूँगा उनको, तो आप क्या कहना चाहते हैं उसके खिलाफ कोई भी ना बोले, जरूरत से ज्यादा तरजीह देगा वो कानूनी कार्रवाई आपने कर दी, कर दिया उसको, ज्यादा आप करोगे तो वो गेन कर रहा है। इसका इसका मतलब ये है केस रजिस्टर होता रहे, वो कुछ भी कुत्ते की तरह भौंकता रहे, वो लोगों को डराता रहे और हम उनकी बातें सुनते रहे, इसकी ऐसी की तैसी खाली, नहीं तो फिर आप क्या चाहते हैं कि मैं उसके खिलाफ खालिस्तान के खिलाफ बोलूं या नहीं? आप चाहते हैं अगर पंजाब के, सुनिए पंजाब के अंदर वो कहते हैं खालिस्तान खालिस्तान बनाएंगे, अगर का मौत का कफन बांध के कांग्रेस बीजेपी सीपीएम सीपीआई ना निकलती तो खालिस्तान बन जाता कि नहीं बन जाता, मेरा सवाल है आपसे। मेरा मैं उसी के तरफ आज जितना राष्ट्र भगत देश मैं नहीं हूँ भैया, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आपका कदर उसके कदम में रात दिन का फर्क है, रात दिन आपको कैसे कंपेयर करके वो उससे बराबर लेके आपको वो कर रहा, मेरा ये मान देखो मेरी देखो मेरी बात मैं फालतू कभी बोलता नहीं, जब टीवी में डिबेट होती तब भी बोलता हूँ ना, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ। अगर यहाँ की पुलिस ने, अगर यहाँ के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने, अगर यहाँ की सरकार ने ये स्टेप उठाया है, ये स्टेप पहले उठाना चाहिए था, तो उनको हौसला देना और इसको चैलेंज करना आपके मीडिया के थ्रू, वो अभी देखता होगा, वो कुत्ते का बच्चा अभी देखेगा, उसको जवाब देना, तो कुत्ते का बच्चे हम डरते नहीं है, तेरी हिम्मत आ, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं रहा, सोशल मीडिया उसको मेरी आवाज़ पहुंचती होगी,
कौन बोलता उसके खिलाफ बताओ, कितने जवाब दिया मुझे बता दो भाई साहब, एक मिनट जवाब तो दे दूं ना मैं, कौन बोलता है उसके खिलाफ? आप बोलोगे नहीं, आप बैठे कोई गल नहीं पन्नू जी, खालिस्तान ऐसे नहीं होता जनाब। मैं जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट मैं पहले, कार्रवाई नहीं, डिमांड करने आया हूँ कि सरकार बात करे प्राइम मिनिस्टर से। नहीं तो सरकार बात करी, एक मिनट सरकार बात करी करके आपने कहा था कि वो मर गया, इसको पंजीकरण का ज्ञान दिया और ये दिया वो दिया, उसके बाद में सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी तो, जब जब सामने दिखाई दे रहा है। अब आपको आतंकवादी बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? देखो मैं सरकार में तो हूँ नहीं, मैं तो मांग कर सकता हूँ ना, मैं तो पापा जी सब कुछ सरकार क्यों नहीं करती, ये तो पूछो। तो देखो जी मेरी तो कोशिश है, जब एक मिनट जब प्रोटेस्ट किया था, क्या सरकार को पूछ के किया था? यहाँ की सरकार को जगाने भी नहीं किया था, वहां की सरकार को जनाब, इनको चैलेंज करना, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना को खाला जी का वाड़ा नहीं है, समझे ना? इनके स्थल कहाँ कहाँ हैं इनका कोई पता नहीं है। ब्लास्ट हुआ ना अभी लुधियाना के अंदर, कौन था? पन्नू के साथ कौन था? एक और व्यक्ति जर्मनी से, और उस वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री के सारे अधिकारियों को छुट्टी से बुला लिया गया, 3 दिन लगाए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे रिपोर्ट चाहिए, और जर्मनी को मंगाला, अगर हमारे दिल्ली के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें गुड़गांव हिट लिस्ट में था, जिसमें दिल्ली हिट में था, जिसमें बॉम्बे हिट लिस्ट में था, आपकी अखबारों में छपा, फॉरेन मिनिस्ट्री ने कार्रवाई की, उस टेररिस्टों के खिलाफ उसी वक्त पकड़ा। हम बोलेंगे नहीं जनाब, आवाज नहीं उठाएंगे जनाब, जगाएंगे नहीं लोगों को, सरकारों को नहीं जगाएंगे, तो ठीक है फिर वो सब जगह पे कहेगा खालिस्तान इसकी ऐसी की तैसी, अकेले रहेंगे, लड़े थे, लड़े हैं, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, बोनस की जिंदगी में आपसे वादा करता हूं। हमारा कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है, हमारा किसी को खुश करने का मकसद नहीं है। हाँ पुलिस ने किया, उसको और हौसला देंगे, अब पीएम के पास जाके फॉरेन पॉलिसी में बात करके इनको लाओ वापस। जी इधर एक और थे भैया, उनसे बात नहीं की। हाँ मेरे भाई भैया, हाँ जी, देखो राजेवाल जो थे बेटा, एक मिनट मेरे बच्चे, राजेवाल साहब जो थे एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने इनका विरोध भी किया था मंच के ऊपर, जो सच है, आपने सुना होगा कि गलत लोगों से बच गए, और उनसे हाथ से निकल गया आंदोलन, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, चूड़नी जी भी अच्छे थे, आंदोलनकारी थे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि एक तरफ आप आंदोलन करते हैं, आंदोलन का मतलब, आंदोलन उसमें राजनीतिक मतलब नहीं होता, अगर वो चुनाव ना लड़ते आज भी उनका आंदोलन मजबूत होता, उनका आंदोलन टूटा था, उन्होंने चुनाव लड़े, ठीक। अब राज्यपाल पंजाब के तो रहे नहीं थे, राज्यपाल तो पूरे देश में छा गए, राज्यपाल तो पूरी दुनिया में छा गए, ट्रक कहाँ कहाँ, कनाडा, जर्मनी के आपने देखा। अब राज्यपाल साहब ने जब चूड़नी जी ने, जिनके उनके रिश्तेदार ने चुनाव लड़ा, जमानते जब्त होगी साहब, मैं फिर कहूँ उनकी बात का जवाब दिया था, अगर आप आंदोलन सही नहीं चला सकते, आपको पता है कि मेरे हाथ से आंदोलन निकल रहा है, ये आंदोलन खालिस्तानियों के हाथ में जा रहा है, ये आंदोलन तिरंगे झंडे का अपमान कर सकता है, जब मैं कह सकता हूं काफी दिन पहले कि तिरंगे झंडे का अपमान हो सकता है, मेरा एक अनुभव है, और पन्नू ने पहले कह दिया था, वो हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसी सब कुछ रास्ता बदला। अब सवाल यह है कि इसका मतलब हरियाणा के किसान भाइयों के साथ अपमान किया गया, उनको तो किसान आंदोलन से मतलब था, उनको ये नहीं पता था कि खालिस्तान का होगा, तिरंगे झंडे का अपमान होगा। अब हमें किसान भाइयों को चाहिए आगे से ऐसे पंजाब की तरफ से कोई ऐसे बातें उठती हैं, पहले उनसे सवाल पूछें, जाओ पहले खालिस्तान के खिलाफ आवाज उठाओ, पहले खालिस्तान के आवाज उठाओ, दिल्ली गुरुद्वारा गुरुद्वारा प्रबंधक के बेटे कुरुक्षेत्र में, वहां के जिम्मेदार लोग हैं ना, हरियाणा में रहते हैं ना, हमारा 9 माह का रिश्ता है ना, तो वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं, दादूवाल जी आवाज उठाएं कि हम पन्नू का विरोध करते हैं, हम 9 माह का रिश्ता है हिंदू से, क्या बोलता है कोई? कोई नहीं बोल रहा। सरदार होने हैं, सरदार तो मैं भी हूं, पहले पार्टी फिर सरदार, केपीएस गिल कहा करता था, मैं पहले पार्टी हूं फिर मैं सरदार हूं,
ये नहीं हम कहते, है कितने, हम 2 करोड़, इज्जत कितनी, मान सम्मान कितना, प्राइम मिनिस्टर बार बार सिर झुकाते, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह, हिंदुस्तान का एयर मार्शल अर्जन सिंह, हिंदुस्तान का एयर मार्शल धनोआ, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ जे सिंह, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ अरोड़ा, अरे जगजीत सिंह अरोड़ा, हिंदुस्तान का दिलबाग सिंह फॉरेन मिनिस्टर, सरदार स्वर्ण सिंह फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, अरे और हिंदुस्तान को क्या चाहिए, हमें इतना मान सम्मान हिंदुस्तान के दुनिया के लोगों ने दिया, और हम छोटी सी बात पे आते, गीता गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा, मेरे जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, आपके बोलने का वो असर नहीं होगा, मेरे बोलने का असर होगा, मैं भारतीय हूं, मैं बता रहा हूं, अब मेरे पे ब्लास्ट हुआ था दिल्ली, ठीक है, प्लानिंग कहां से बनी, कैनेडा से, टेरिस बाके कहां गए, एक जर्मनी में चला गया, एक वाइफ हस्बैंड जो है कैनेडा चले गए, एक अमेरिका चला गया, 4 थे जिन्होंने राजीना रोड पे ब्लास्ट किया, ठीक है, बड़ी कोशिश की नहीं आया। उसके बाद नाथूराम मिर्जा होते थे हिंदुस्तान के मिनिस्टर एग्रीकल्चर जैको मिनिस्टर, उनके बेटे को एक टेररिस्ट पकड़ के लाए, उनके बेटे को किडनैप कर दिया गया जयपुर के अंदर, ठीक, जब किडनैप किया तो वहीं कहीं छुप गए, वो दूध लेके जा रहा था देने के लिए, शक पड़ गया, टेलीफोन पे जब वो बात करते उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट दे दी, एक मिनट बेटा इधर, पुलिस मुकाबला हुआ, पुलिस मुकाबला हुआ, एक टेररिस्ट मारा गया नवनीत सिंह कादियां, 2 पकड़े गए, हरनेक सिंह बप पकड़े गए, इंटरोगेशन हुई, उनका मतलब क्या था, उनकी डिमांड थी बिट्टा के ऊपर जो हमला करने वाला उसको छोड़ो, नहीं तो हम सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे को मार देंगे, सुनिए बात, तो कहां से पकड़ के लाए, बैरो सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति सीएम रहे, आज भी रोज उसके नाम की चर्चा करता हूं, उसने कहा ये टेररिस्ट आने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर के राजस्थान की पुलिस जाके जर्मनी अमेरिका कनाडा से जाके उसको टेररिस्टों को पकड़ के लाए, और क्या होता है आगे, हमारा कानून कितना कमजोर है, मैं कई बार कहता हूं, जैसे मेरी बैठे हैं इधर, उनको कई बार इंटरव्यू, मैं बम्बों से नहीं हारा, मैं मौत से नहीं हारा, मौत मेरी यार है, मैं हारा हूं तो पॉलिटिकल टेररिज्म राजनीति गुलामी से हारा हूं, आतंकवादी लाते फांसी की सजा होती है, कपिल सिब्बल उसका वकील होता है, तुलसी वकील होता है, राम जेठमलानी वकील होता है, अब मैं कोर्ट में गया, अब 3 महीने पहले पता कौन वकील, मुकुल रत्तोगी वकील, एक टाइम की फीस 20 लाख, एक पेशी की वकील, मैं कहां से दे दूंगा, मुझे फॉरन से फंडिंग नहीं आती, उनको फॉरन से फंडिंग आती है, और पैसा कौन दे रहा है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर, जहां आप लोग जाते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नमस्तक करते हैं, अपने खून पसीने का पैसा लंगर में योगदान डालते, वो पैसा टेररिस्टों के लिए इस्तेमाल होता है, मेरे केस के अंदर राजूवाल के अंदर भी पेश हुआ, 20 लाख एक टाइम की थी, तो हमारे देश के अंदर कानून की पॉलिटिकल व्यवस्था की बहुत बड़ी कमजोरी है, हर व्यक्ति कहता है यार मुझे सिख वोट मिल जाए, अरे सारे सिख टेररिस्ट हैं क्या, सिख हमारे देश की शान है, जगजीत सिंह अरोड़ा सिख थे, अर्जन सिंह सिख थे, कई और ऐसे सिख हैं जिन्होंने नाम बनाया भी हिंदुस्तान के अंदर, मनमोहन सिंह सिख थे, पर ये चंद लोगों के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती, कांग्रेस भी खड़ी हो गई, अकाली दल भी खड़ा हो गया, पहले काफी पहले आम पार्टी ने भी गलती की, तो मेरे कहने का मतलब हम अकेले आपके सहयोग से, हम अकेले आपसे सहयोग से, अब मेरा एक जिंदगी का रोज अनुभव होता कि टेररिज्म तो खत्म किया, पर हमें टेररिज्म के ऊपर जो ऐसी स्थितियां हैं उसके ऊपर हमें मजबूत होकर चलना, आप पापा जी आप सर, हमें आपकी राष्ट्रभक्ति में कोई संदेह नहीं, नहीं मैं हूं, ये बात भी कहना चाहता हूं कि हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे पास इतनी फोर्सेस है, किसी का भी किसी की हिम्मत नहीं है, ये इतने उग्रवादी कितने आए और कितने चले गए, चुटकियों मोड़ते हैं सर, अगर हमारी फोर्सेज में इतनी हिम्मत है, कोई 5 सेकंड के लिए कितना भी बढ़ाओ नहीं रुक सकता, आप ये उग्रवादियों को बढ़ावा क्यों दे रहे हो, क्यों अखबारों की बातों को निकाल दो सर, ये चंद आदमी है, ये चंद मिनट में खत्म हो जाते हैं सर, मैं जवाब दे, मेरा आपसे एक सवाल है कि आतंकवाद के खिलाफ बोलना बंद कर दें, प्रेम का पाठ नहीं पढ़ाओ, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं 5वीं 7वीं 8वीं में, अच्छा। उनको ऐसा राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाओ कि अच्छा, पाठ पढ़ाऊं, लो मैं समझा, मैं पाठ पढ़ाता हूँ, मैं पाठ पढ़ाता हूँ, कल कहाँ से आया, गुजरात से आया, जितना मेरी जिंदगी का अनुभव था पाठ पढ़ा के आया, धार्मिक सम्मेलन भी था, संत महात्मा थे,
वहां राष्ट्रभक्ति के पाठ पढ़े गए, वंदे मातरम भारत माता की जय बोली गई। राजस्थान में गया, क्या करके आए, स्कूल कॉलेज के अंदर टेररिज्म के खिलाफ शपथ दिला के और राष्ट्रभक्ति। मेरा तो कर्म यही है, मैंने तो काम पे इसलिए छोड़ रखा है। अगर आप ये कहो किसको बढ़ावा के दे रहा, दूंगा 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 इनके खिलाफ लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा, मेरे बम गोलियां नहीं आवाज बंद करा सके, आप मेरी आवाज बंद करा दोगे? अच्छा कुछ भी नहीं है, लुधियाना ब्लास्ट हुआ कुछ भी नहीं है, तिरंगे डंडे का अपमान हो गया कुछ भी नहीं है, 26/11 अरे फौजी 26/11 की घटना हो गई कुछ भी नहीं है, पार्लियामेंट की घटना हो गई कुछ भी नहीं है, जयपुर के अंदर 120 लोग एक दिन में मारे गए कुछ भी नहीं है। जिनके बहनों के सुहाग उजड़ते हैं ना, जिनके बच्चे यतीम होते हैं, उनके घरों में जाके हम पूछें उनकी हालत क्या है जनाब।